हर साथियों स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में साथियों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे के पेपर वन की यूनिट फोर्टी टू जिसका नाम है प्रमोशन रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग मार्केटिंग में प्रमोशन का क्या रोल है तो प्रमोशन इज़ द एक्सरसाइज ऑफ कम्युनिकेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स टू द कस्टमर विद द मोटो ऑफ इन्फ्लुएंसिंग दैम तो जो मार्केटिंग मिक्स है उसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को कस्टमर को कम्युनिकेट करना ताकि उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सके तो ये पूरी जो एक्सरसाइज है इसी को हम प्रमोशन कहते हैं दिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग एम परसुएशन इन्फॉर्म रिमाइंडिंग एंड री इसके चार एम होते हैं जिसके लिए ये किया जाता है वो है परसुएशन परसुएट करेंगे इन्फॉर्म करेंगे कस्टमर को रिमाइंड कराएंगे और री कराएंगे तो ये चारों इसके एम हैं नेक्स्ट अगर हम प्रमोशनल मिक्स की बात करें प्रमोशन मिक्स की बात करें तो प्रमोशन एक मिक्स में ये पांच टूल होते हैं जिनमें हैं एडवरटाइजिंग सेल्स प्रमोशन पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग तो ये पांचों प्रमोशनल मिक्स के टूल्स हैं अब इन जो प्रमोशन मिक्स के जो टूल हैं इनके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए प्रिंटिंग एड हो गए ब्रॉडकास्ट हो गई या पैकेजिंग ब्रोशर हो गए बुकलेट हो गई पोस्टर हो गए लीफलेट डिस्प्ले ये सभी जो है वो एडवर्टीजमेंट में काम आते हैं एडवर्टाइजिंग इनके थ्रू की जाती है सेल्स प्रमोशन की बात करें तो कंटेस्ट कंडक्ट करा के कई तरह के गेम्स वग़ैरह ऑर्गेनाइज करके या फेयर्स uh, ऑर्गेनाइज करके ट्रेड शो करके या डेमोस्ट्रेशनस करके इन सभी के थ्रू सेल्स प्रमोशन किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और पब्लिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए पब्लिक रिलेशंस बनाने के लिए प्रेस किट्स स्पीचेस वगैरह दी जाती हैं सेमिनार ऑर्गेनाइज की जाती हैं एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं और स्पॉन्सरशिप वगैरह दी जाती हैं साथ ही पब्लिकेशंस जारी किए जाते हैं तो ये सभी जो है पब्लिक रिलेशन बनाने में हेल्प करते हैं पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करें तो पर्सनल सेलिंग में सेल्स प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं सेल्स मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती हैं और इंसेंटिव प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं तो उससे पर्सनल सेलिंग में हेल्प मिलती है या बूस्ट मिलता है डायरेक्ट मार्केटिंग के केस में कैटलॉग वगैरह मेलिंग सिस्टम या टेली मार्केटिंग टी शॉपिंग ये सभी जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग इनके थ्रू की जाती है ई के थ्रू या वॉइस मेल के थ्रू तो ये सभी डायरेक्ट मार्केटिंग में काम में आते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रमोशनल प्रमोशन मिक्स स्ट्रेटजीज देयर आर टू बेसिक प्रमोशन मिक्स स्ट्रेटजीज़ पोस्ट स्ट्रेटजी या पुल स्ट्रेटजी अब पुश स्ट्रेटजी क्या कहती है प्रमोशन एफर्ट आर डायरेक्टेड एट द चैनल मेंबर टू इंड्यूस देम टू परचेज द प्रोडक्ट एंड सेल देम टू द फाइनल कस्टमर तो पुश स्ट्रेटजी ये कहती है कि इस तरह से प्रमोशन एफर्ट किए जाएं कि जो हमारे चैनल मेंबर हैं जो बीच में रिटेलर होल सेलर वो हैं तो इनको क्या किया जाए प्रोडक्ट इनको पुश कर दिया जाए इनको दे दिया जाए उनको इंड्यूस किया जाए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमसे खरीदो ऑर्गेनाइजेशन से और उसको फिर आगे उनको बेचो तो ये तो पुश स्ट्रेटजी हो गई पुल स्ट्रेटजी में क्या होता है प्रमोशन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू द फाइनल कस्टमर टू इंड्यूस देम टू बाय द प्रोडक्ट पुल स्ट्रेटजी में जो एफर्ट जो प्रमोशन के किए जाते हैं वो फाइनल कस्टमर को किए जाते हैं जो एंड कस्टमर है जो एंड यूज़र है उसको टारगेट किया जाता है और उसको आ, इस तरह से तो पुल स्ट्रेटजी जो होती है वो डायरेक्टेड होती है कि हमारा जो एंड यूज़र है वो प्रोडक्ट को खरीदे और खुद ही मार्केट में आए चलकर और प्रोडक्ट वो परचेज करे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रो प्रमोशनल मिक्स तो प्रमोशन मिक्स में तीन तरह के जो फैक्टर हैं मेजर जो इफेक्ट करते हैं थ्री मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ प्रमोशन मिक्स आर टाइप ऑफ मार्केट प्रोडक्ट या मार्केट बायर्स रेडीनेस स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज तो किस तरह का प्रमोशन मिक्स ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेगी इसको डिसाइड करने के लिए बेसिकली तीन पैरामीटर्स हैं तीन फैक्टर हैं जिनके बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाता है पहला है कि किस तरह का प्रोडक्ट है उनका टाइप ऑफ प्रोडक्ट या मार्केट कैसी है और बायर्स रेडीनेस स्टेज कि बायर जो है वो ख़रीदने के कौन से स्टेज पर है कितना कन्विंस है वो प्रोडक्ट से तीसरा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसी है कम है ज़्यादा है या किस तरह की है तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे लाइक करें साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जे एग्जाम देने जा रहे हैं तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू